देखिए जैसे कि हमने पीछे कन्फेडरेशन की मीटिंग की थी तो उसमें पूरे जो पांचों एसोसिएशन है उनने निर्णय लिया कि भाई अब तो पानी सर से ऊपर बैठे। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिवालय की बहुत सारी मांगे हैं, यहाँ पे 750 के करीब पोस्टें खाली है और इसके साथ साथ हमारे कर्मचारी की फिक्सेशन नहीं हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसकी रिवाइज उसकी सीनियरिटी लिस्ट निकलती है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा था जिसमें आज ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो है डी एरियर और पे स्केल एरियर। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी कर्मचारी अभी तक कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है, सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था, मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को वो दो दो तीन तीन लाख रुपए मिला था। तो उस वक्त क्या जो लोग करते थे, इंतजार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा, तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे, कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। तो मतलब पे एरियर का इंतजार रहता था, 10 साल के बाद पे एरियर मिलता था, पे स्केल मिलती है। लेकिन और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर शिमला में 10 से 15,000 कर्मचारी है जिनके यहाँ अपने मकान है, जो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे रहते हैं 10 से 15,000, वो मकान उन्होंने तब बनाए थे, उन्होंने प्लॉट तब लिए थे जब 1986 पे स्केल का एरियर मिला था। इसी तरह उसके बाद 96 का एरियर मिला, उसमें किस्तों में दिया सरकार ने, 2-3 किस्तों में दिया, तब भी सरकार कर्मचारी कुछ न बोला। उसके बाद जो 2006 का एरियर मिला वो भी चलो कुछ किस्तों में दिया, लेकिन जो ये 2016 का एरियर है ये तो मिला ही नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए मिला है। तुम माननीय मुख्यमंत्री मिले, इन्होंने एक बार फरमान जारी किए थे कि जो एरियर है इसको उन्होंने 0.025% के हिसाब से दिया था, यानी कि जो एरियर है ये हमें 32 साल में मिलना था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिला, मैं कहा साहब ये जो एरियर है ना ये हमारे को 32 साल में मिलेगा, 32 साल में कोई और रहेगा इसको? तो मैं कहा आपने हमारे को नहीं दिया इस एरिया को, तो लगता है आपने हमारे पोते के दोतों को दिया है। इसी तरह उन्होंने डीए के एरियर भी दिया था, जो डीए एरियर हमारा ड्यू था वो था 1/7/2022 से, तो वो एरियर भी हमारे को 5 साल में मिलना था। तो मैं कह डी एरियर है हमारे को 5 साल में मिलेगा, 5 साल में तो 10 किस्तें ड्यू हो जाएंगी। तो जब उनको लगा कि नहीं गलत हो गया है तो उन्होंने उसी टाइम आदेश जारी किए कि इसको विड्रॉ किया जाए। उसके बाद अभी कुछ पीछे मिले, इन्होंने जो रिटायरी थे उनको तो 15%, 18%, 25% के हिसाब से एरियर दे दिया, लेकिन हमारे को फिर नहीं दिया एरियर। हम फिर से मतलब एरियर का कोई भी हिस्सा कोई भी किस्त हमारे को नहीं दी। और अभी 15 अगस्त को हमारे को उम्मीद थी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि या तो आप एरियर दे देना या फिर डीए की ये किस्त दे देना। तो अभी आपने देखा जो एरियर दिया वो किसको दिया, जो 75 साल से ऊपर है। अरे भाई जो एरियर है वो सबसे ज्यादा जो 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए हैं वो तो उनका है ना, डीए मिल रहा है ना पे एरियर मिल रहा है। तो लोगों में बहुत निराशा थी, इसीलिए जब हमने मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है एक जनरल हाउस करेंगे। जब जनरल हाउस का
हमने ऐलान किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे। रविवार को मेरे को पूरे प्रदेश के कर्मचारी के लोगों के फोन आए, कहने लगे जी आपने हमारी आवाज उठाई है। कोई तो है आज प्रदेश में जो कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी जो एनजीओ जो है वो तो आज गुटों में बंटा है। कोई त्रिलोक गुट है, कोई प्रदीप गुट है, आपने देखा कभी इन्होंने आवाज उठाई? मतलब ये चाहते कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा या डीए मांगेगा तो हो सकता हमारे को मान्यता न मिले। तो आज पूरे प्रदेश का 7 लाख जो कर्मचारी है मेरा, वो आंखें लगाए बैठा था, आस लगाए बैठा था, लेकिन उनके पास कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था। और मैं आपको माध्यम से बता देना चाहता था कि ये जो हमारा काम ये जो है डीए एरियर या पे एरियर इसका नहीं होता है, जिन हमारे पास अपनी यहाँ पे डिमांड होती है। लेकिन पहली बार हुआ है कि आज जो है सचिवालय को ये मांगे उठानी पड़ रही है। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जब कभी पहले स्ट्राइक होती थी, मैं एनजीओ में भी रहा हूँ, तो पहले डिपार्टमेंट वाले बाहर निकलते थे, कोई जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट निकल गया, एनिमल सेंट्री निकल गया, एग्रीकल्चर निकल गया, उसके बाद जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी निकलता था, फिर आईजीएमसी निकलता था, अगर तब भी कोई बात न पड़े फिर लास्ट में जाके सचिवालय प्रशासन सचिवालय स्टेशन बाहर निकलती थी। जब सचिवालय वाले बाहर निकलते जाते तो कोई भी सरकार जो है ना फिर जो है ना उसको झुकना ही पड़ता था। लेकिन आज परिस्थिति देखो, बाहर का कोई कर्मचारी आवाज तक नहीं उठा रहा है, आज ये काम जो है ना सचिवालय वालों को करना रहा है। तो इसीलिए हमने आज पहले आज जनरल हाउस किया है। अगर हमारे को कल हम रेस्ट देंगे, कल तक हम देखेंगे सरकार बुलाती है ठीक है, नहीं तो हम परसों फिर जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सेशन आ रहा है, हम नहीं चाहते सेशन में, क्योंकि सेशन में पूरे प्रदेश के लोगों के काम होते हैं, उनकी जो है मसले वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो हमने फिर निर्णय लिया कि 10 को हम फिर जनरल सुनेंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम मास कैजुअली पर जाएंगे। मास कैजुअली से क्या होगा, पूरा सचिवालय का कर्मचारी बाहर आ जाएगा। मैंने माने नहीं मुख्यमंत्री बड़ो, ना मुख्यमंत्री के पास भी ना कोई पीएन मिलेगा उनको पानी पिलाने के लिए, ना उनको गाड़ी लाने के लिए ड्राइवर मिलेगा, किसी तरफ जितने भी मंत्री हैं, जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब कुछ ठप कर देंगे। हमारे ऊपर अगर जो मर्जी केस लाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अब सर पे कफन लेके चले हैं, हमने सोच लिया है कि अब ये लड़ाई आर पार की है। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। मैंने एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को बोला, मैं कहा जी आपने 800 करोड़ रुपए दे दिए महिलाओं को, दे रहे अच्छी है हमारी बहन है, हमारी महिला है, चलो दे दिए। मैं कहा जब आप 800 करोड़ उनको दे रहे हैं तो हमारे को तो कुछ दो, हमारा हक तो दो, हम तो आपसे हक मांग रहे हैं, खिराज नहीं मांग रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बोले, कहते देखना पड़ेगा अभी पैसा तो है। मैं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आप। आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो 7वीं बिल्डिंग बनी है इसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो 2 महीने के बाद इसकी अल्ट्रेशन शुरू होगी। यहाँ पे जी 2 मंत्री बैठ रहे हैं, वो तो 2 मंत्री ने, एक मंत्री ने 50 लाख की रेनोवेशन, 2 मंत्री मतलब 1 करोड़ रुपया रेनोवेशन में लगा दिया। और मेरे को भी कोई बता रहा था जो वहां पे लाइटें लग रही है ना, वो भी 18-18 हजार रुपए की लाइटें लग रही है। उसमें जो फर्नीचर आ रहा है वो कहते महाराष्ट्र से आएगा, इसके लिए इनके पास पैसा है, तब तो उनका खजाना खाली नहीं है। अब जब एक दिन मुख्यमंत्री इसको देखने गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वाकई यार ये तो बड़ा आलीशान बन रहा है। तो फिर जब मुझे लगता अपने कमरे में गए, फिर उन्होंने सोचा होना यार मेरा कमरा तो ऐसा है, तो उन्होंने भी एक प्रमाण जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक कार्यालय बनाया जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे जो पता चला है कि 19 करोड़ 72 लाख 19 हजार रुपया रिलीज हो गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लोन मिल गई 19 करोड़ का, मुख्यमंत्री के लिए भी बन रहा है। कहते स्पीकर के लिए हमारे को पता चला जो स्पीकर का बंगला बन रहा है उसमें 2 करोड़ खर्च हो चुके हैं, अभी पता नहीं उसमें कितना खर्च हो रहा है। अब रहे एमएलए लोग, एमएलए के लिए भी देखो क्या है, कहते वहां पे जो एमएलए का वो हल्का है हाउस है परे मेट्रोपोल, उसको डिसमेंटल करके वहां पे भी 100 करोड़ रुपए का कहते बजट प्रावधान रखा है, वहां पे भी बिल्डिंग बन रही है। और उसके बाद जैसे चंडीगढ़ जाते हैं लोग, वहां पे भी कहते हिमाचल भवन ऑलरेडी इतना अच्छा है उसको तोड़ के कहते वहां भी नई बिल्डिंग बनेगी। तो इसके लिए पैसा है इनके पास। यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं अधिकारियों को, इनके कमरे में जाओ आप, लाखों रुपए की जो ना एडिशनल अल्ट्रेशन हो रही है। तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इतनी सारी ये जो रेनोवेशन या ये बना रहे हैं तो इसमें तो 3 साल और लग जाएंगे, लगते या तो माननीय मुख्यमंत्री मुझे लगता 15 साल के लिए आए हैं। पर इनको ये नहीं पता कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं ना उसका जो एक पावा है वो कर्मचारी का होता है। आज मैं बोलना चाहूंगा आपके मतलब कि मुख्यमंत्री महोदय अपने जरा उस कुर्सी को देख लो, उसके स्क्रू जो है ना हिलने शुरू हो गए हैं।
आज आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे मुझे पूरे प्रदेश के लोगों के कर्मचारियों के फोन आ रहे, पर मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ मत आइए, क्योंकि आप कांगड़ा से आएंगे, किन्नौर से आएंगे, कुल्लू से आएंगे। मैं कहा हम लोग सक्षम है, जिस दिन संजीव शर्मा नहीं रहेगा तब आप लोग यहाँ आ जाना। धन्यवाद।